मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। गाइस क्लास 11th के स्टूडेंट को हम बता दें कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट की टॉपिक पर सम टॉपिक्स की डिस्कस कर लिया था। गाइस आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एरर के बारे में। सही सुना आपने, आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे एरर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। गाइस सभी को डिफिनेशन के साथ बताएंगे और इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपकी एरर। एरर मतलब त्रुटि। त्रुटि माने क्या होता है गाइस? गलती। हमसे कोई गलती हो गई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रुटि। केयर कर लीजिएगा, त्रुटि क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन मतलब बीच के अंतर, द फिजिकल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। कहने का मतलब किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को गाइस क्या कहते हैं बताएं? त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि। वास्तविक मान इट मींस कहने का मतलब रियल वैल्यू या फिजिकल वैल्यू या आप कह सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, कहने का मतलब प्रेक्षित मान। तो कह क्या सकते हैं वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को गाइस क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, या द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके दोस्तों टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। एरर कितने टाइप का होता है? आ रही है बात की कितने टाइप्स के एरर होते हैं गाइस। एरर दो टाइप के होते हैं। पहला एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। ये जो सिस्टमैटिक एरर होता है दोस्तों, इस सिस्टमैटिक एरर को हम लोग कहते हैं क्या? क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरा एरर क्या होता है गाइस? रैंडम एरर, जिसे हम आप कहते हैं क्या? यादृच्छिक त्रुटि। ओके दोस्तों एक बार फिर से, एरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर, जिसे हिंदी में हम आप लोग क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा एरर क्या होता है गाइस? रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटियां। गाइस यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट केयर करेंगे, जितनी भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कृपया कॉपी और पेन लेकर साथ बैठेंगे, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू आप लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे गाइस। अब चलिए हम आपको बताते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर मतलब क्रमबद्ध त्रुटि। गाइस केयर करिएगा, एरर्स दैट अकर रेगुलर इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब वे जो त्रुटियां हैं अकर रेगुलरली इन एन एक्सपेरिमेंट, जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से कार्य करती है, तो ऐसी त्रुटि को गाइस क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जैसे आप कह क्या सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि। वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि को कौन सा एरर शो करेगा गाइस? सिस्टमैटिक एरर बताएगा। कौन सा एरर बताएगा? सिस्टमैटिक एरर बताएगा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं रैंडम एरर क्या होता है। गाइस क्लियर करिएगा, केयर करिएगा थोड़ा सा। दीस आर एरर्स, वे सभी त्रुटियां विच आर नॉट नो टू द सोर्स, जो स्रोत के बारे में जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, तो उस त्रुटि को रैंडम एरर इट मींस यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। एंड हिंस और जब आर आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट एरर, जिसे हम आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। गाइस कह सकते हैं क्या? रैंडम एरर इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंट एरर। एक्सीडेंट एरर को क्या कहते हैं? एक्सीडेंटल एरर को आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। अब आइए गाइस टॉपिक को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अब हम देखते हैं क्या कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। कहने का मतलब सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के होते हैं। गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं, क्रमबद्ध जो त्रुटियां होती हैं, वो तीन टाइप में त्रुटि होती हैं, वो तीन टाइप में मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। गाइस हम आपको बता दें, पहली टाइप आपकी होगी यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दूसरा एरर क्या होगा गाइस? एरर्स ड्यू टू इंप्रेक्शन। इंप्रेक्शन कहने का मतलब प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। और वही तीसरी त्रुटि होती है गाइस,
पर्सनल एरर जिसे हम आप कहते हैं क्या व्यक्तिगत त्रुटि। ये तीन त्रुटियां होती हैं। आइए तीनों त्रुटियों की डिफिनीशन एक कर करके जानते हैं गाइस। पहली इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। दीज एरर्स मे बी ड्यू टू इनसफिशियंट डिजाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर्स, पिंच एरर्स एटसेट्रा। कहने का मतलब ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्त अभिकल्पना, शून्यांक त्रुटि तथा पिछक त्रुटि आदि से व्यक्त की जाती है गाइस। तो ऐसी त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, या इसी को कहा जाता है गाइस यंत्रगत त्रुटियां कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब चलिए सेकेंड टाइप में मैं बढ़ता हूं। सेकेंड टाइप आपका क्या है, एरर्स ड्यू टू इम्परेक्शन, मतलब प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। गाइस केयर करिएगा, क्या होगी डिफिनेशन ध्यान से समझ लीजिएगा। दीज एरर्स कम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन द ऑब्जर्वर इनकम्प्लीटली ओब्लिवियस टू चेंज हैपनिंग इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज सम सर्कमस्टेंस फ्रॉम व्हिच इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ देम कंप्लीटली। कहने का ये मतलब, यह त्रुटियां तब तक अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षक वाह वातावरण में हो, होने के बारे में परिवर्तन उसको बेखबर हो, मतलब उसको थोड़ा सा भी मालूम ना हो, साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं उसके पास जिससे वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। तो ऐसी त्रुटि क्या होती है, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। कहने का मतलब गाइस मैं आपको बता देता हूं अपने लैंग्वेज में, जैसे आप रूम के अंदर होते हैं, अगर बाहर कुछ भी घटना घटती है तो आपको मालूम नहीं पड़ता है, तो वहां कौन सा एरर होता है जानते, एरर ड्यू टू इम्परेक्शन होता है। ओके गाइस, आइए थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक आपकी क्या है, पर्सनल एरर। पर सॉरी दोस्तों, मैं इसका एग्जांपल बता रहा भूल गया। एग्जांपल इसका क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति, मतलब कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत कहने का मतलब गिव्स हीट एंड डोनेट हीट। कहने का मतलब लीगरिस्मा बराबर दीगरिस्मा। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति। गाइस मैं आपको जब सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा 11th का, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति काफी अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, अब चलिए तीसरी एरर क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कहने का मतलब व्यक्तिगत त्रुटि। कौन सी त्रुटि, मतलब जैसे अपनी लापरवाही से हुई गलती, अपनी लापरवाही में जो होती है त्रुटि, तो दिस एरर इज आल्सो नोन एज पर्सनल एरर। कहने का मतलब केयरलेस एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। आप देख सकते हैं साफ शब्दों में मैं डिफिनेशन यहां बताया हूं, केयरलेस एरर इज नोन एज पर्सनल एरर, मतलब लापरवाही में हुई त्रुटि को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे लाइट बेंच कहने का मतलब जानते हैं, जो प्रकाश में प्रायोगिक प्रकाशी बेंच होता है, तो उसी को कहते हैं गाइस लाइट बेंच कहते हैं। दोस्तों जब मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं मिलूंगा आपसे, अभी एरर की ही टॉपिक पर डिस्कस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस एक बात और क्लियर करके जाइएगा, अभी तक अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।